Paris Glycolic White Skincare Combo का, let's start with our first product जो कि है L'Oreal Paris Glycolic Bright Cleanser Foam. Face wash आता है इस तरह की tube packaging में. Product का texture dense है, creamy है, white color का है, काफी अच्छा foam करता है और काफी अच्छी cleansing देता है. और क्लीन होने के बाद आपको ना आपका स्किन हल्का सा स्ट्रेची स्ट्रेची ड्राई फील होगा, बट थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा. एंड साथ ही साथ आपको एक अजीब सा व्हाइटनेस आपके फेस पर फील होता है. प्रोडक्ट हैज टोटल 27 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें के दो प्लांट डेरिवेटिव्स डाले गए हैं, काफी अच्छे चार एक्टिव्स डाले गए हैं जो कि काफी अच्छी डीप क्लेंजिंग देते हैं एंड साथ ही साथ ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं. दो सर्फेक्टेंट्स डाले गए हैं जो कि रेगुलर फेस वॉशेस में आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं. उसके अलावा तीन मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी इस प्रोडक्ट में डाले गए हैं, बट स्टिल हल्का सा ये ड्राइंग इफेक्ट तो जरूर देता है. 8 बेस इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि सारे के सारे प्रोसेस्ड फॉर्म वाले हैं, बट यस किसी भी तरह का ह्यूमन को नुकसान नहीं देते. कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो कार्सिनोजेन तो नहीं है. 2 प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं जो कि काफी अच्छा सिलेक्शन है. प्रोडक्ट हैज टोटल 6 फ्रेग्रेंसेस एंड प्रोडक्ट का फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड यस प्रोडक्ट कंटेन आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, तो स्किन सेंसिटिव है आपका तो ध्यान रखिएगा. प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई कलर नहीं डाला गया है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि सब्जेक्टिव सूटेबिलिटी के साथ आते हैं, यानी कि अगर आपको सूट करते हैं तभी आप यूज कीजिए, अदरवाइज प्रोडक्ट को अवॉइड करें. एंड यस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रोसेस जरूर है, बट काफी अच्छा है. बेस्ट नहीं कहूंगी बट काफी ज्यादा अच्छा है. ये फेस वॉश क्लेम करता है कि ये एक्सफोलिएट करता है, डलनेस हटाता है और इवन ग्लोइंग स्किन देता है. तो यस ये करता है, बट जो रिजल्ट्स है वो लॉन्ग लास्टिंग तो डेफिनेटली नहीं है, बट ओवरऑल ये काफी अच्छा फेस वॉश है डेली यूसेज के लिए. इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, L'Oreal Paris ग्लाइकोलिक ब्राइट 1% ग्लाइकोलिक एसिड सीरम. कार्डबोर्ड बॉक्स में ग्लास ड्रॉपर बॉटल आता है. पेल कलर का, स्लाइटली थिक कंसिस्टेंसी का ये सीरम है और इजीली ब्लेंड हो जाता है, इजीली अप्लाई हो जाता है. 1% ग्लाइकोलिक एसिड है तो डेली यूज के लिए भी सेफ है. एंड यस ये काफी जेंटली एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, थोड़ा स्लो काम करेगा और काफी अच्छे से स्किन एक्सफोलिएट करेगा. एंड कुछ केसेस में ये आपकी स्किन को ड्राई भी कर सकता है, एंड ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी. प्रोडक्ट हैज टोटल 39 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें के 7 इंग्रेडिएंट्स तो एक्टिव्स ही है. मोस्ट ऑफ देम जो है वो एक्सफोलिएंट ही है, लेकिन कुछ इसमें हाइड्रेशन भी देते हैं और कुछ ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए भी डाले गए हैं. सीरम में 6 कंडीशनिंग या फिर मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी डाले गए हैं जो कि काफी अच्छे हैं. ऑल ऑफ देम आर प्रोसेस्ड बट काफी अच्छा मॉइस्चराइजेशन स्किन को देते हैं, साथ ही साथ स्किन को कंडीशन भी करते हैं. 4 एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं जो कि स्किन को काफी अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं और एंटी एजिंग इफेक्ट भी देते हैं. बेस इंग्रेडिएंट्स का नंबर है 13, जो कि सीरम के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है. मैंने आज तक किसी भी सीरम में इतना लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं पड़ा है कैरियर्स या बेस इंग्रेडिएंट्स का. ओवरऑल सारे प्रोसेस्ड हैं, काफी सेफ इंग्रेडिएंट लिस्ट है, बट प्रोडक्ट कंटेन पॉलीसॉर्बेट 60, तो जो लोग पॉलीसॉर्बेट 60 अवॉइड करते हैं वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें. 2 प्रिजर्वेटिव डाले हैं जो कि सेम फेस वॉश वाले हैं, एंड दीज आर गुड प्रिजर्वेटिव्स. प्रोडक्ट में 7 फ्रेग्रेंसेस डाले गए हैं, बट आई स्टिल वंडर कि कहां डाले गए हैं. जब भी आप इसको लगाओगे आपको बहुत कम या बहुत वियर्ड सा फ्रेग्रेंस आएगा, अच्छा फ्रेग्रेंस तो मुझे नहीं लगा, बट आई स्टिल वंडर इतना फ्रेग्रेंस होने के बाद भी ये अच्छा स्मेल नहीं किया मेरे लिए. एंड यस प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है बहुत ही लंबा है, बट स्टिल इसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं डाला गया है. प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोसेस्ड और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो कि काफी अच्छे हैं और सेफर साइड पे हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि पैच टेस्ट जरूर ले इस प्रोडक्ट के साथ. ये सीरम क्लेम करता है कि ये 5 साल का पिगमेंटेशन 2 हफ्ते के यूज में खत्म कर देता है. बहुत ही बड़ा वाला जो क्लेम था इसने किया था, और ऐसा ये कुछ भी नहीं करता है. बस ये एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग सीरम है जो आपको अच्छी सी एक्सफोलिएशन दे देता है, जो कि आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ये 5 साल का पिगमेंटेशन 2 हफ्ते में हटा देगा. यस आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, बट बहुत स्लो दिखेंगे, 2 हफ्ते में नहीं. अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं आपको ये काफी लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा. एंड ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को यूज ना करें. एंड इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा यूनिक नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि इसको यूज करने से हो जाएगा. प्रोडक्ट एक बेसिक एक्सफोलिएंट है और बस इसकी मार्केटिंग ही यूनिक की गई थी. एंड ट्राई करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं. और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है
L'Oreal Paris Glycolic Bright Day Cream with SPF 17. छोटू सा ग्लास टब कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, प्लास्टिक रैप के साथ, पिंक कलर का क्रीमी टेक्सचर है जो इजीली ब्लेंड होता है, लेकिन ये व्हाइट कास्ट छोड़ता है, तो टेक योर टाइम इसे ब्लेंड करने में। ये प्रोडक्ट आपको एवरेज इंडोर प्रोटेक्शन देता है। अगर आप आउटडोर जा रहे हो डेफिनेटली आपको एक लेयर अच्छे सनस्क्रीन का जरूर लगाना पड़ेगा, और किसी तरह का भी ये मॉइस्चराइजेशन नहीं देता है तो एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर भी आपको इसके साथ लगाना पड़ता है। इस डे क्रीम में टोटल इंग्रेडिएंट है 46 जो कि इनके सीरम से भी ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव से। प्रोडक्ट हैज 5 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं, एक्सफोलिएशन भी देते हैं, साथ ही साथ एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट भी है इसमें। सेकंड कैटेगरी है प्लांट डेरिवेटिव की, तो इट हैज लेमन फ्रूट एक्सट्रैक्ट। 9 मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इस प्रोडक्ट में डाले गए हैं, लेकिन स्टिल ये प्रोडक्ट ढंग से मॉइस्चराइज नहीं करता है, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर का लेयर जरूर करना पड़ता है। 14 बेस इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिसमें सॉल्वेंट, स्टेबिलाइजिंग एजेंट, इमल्सीफायर, थिकनर, पीएच रेगुलेटर जैसी चीजें इस प्रोडक्ट में डाली गई हैं। बेस इंग्रेडिएंट का लिस्ट काफी अच्छा और सेफर साइड पे है। 5 प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं जो कि काफी अच्छे हैं, मैं बेस्ट नहीं कहूंगी बट यस दीज आर ऑफ गुड कैटेगरी। इसमें भी फ्रेग्रेंस है 7 बट स्टिल ये प्रोडक्ट भी अच्छा स्मेल नहीं करता है, बहुत ही प्लास्टिकी सा स्मेल करता है ये। लास्ट में आते हैं कलरेंट, तो इसमें सिर्फ 2 कलरेंट ऐड किए हैं। दिस प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस्ड और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स, तो कार्सिनोजन तो नहीं है इसमें कोई, बट यस कुछ लोगों के लिए ये इरिटेटिंग जरूर हो सकता है, तो यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 15 ml टब से पहले ट्राई करें सीधा 50 ml प्रोडक्ट खरीदने से, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट काफी एवरेज लगा, दैट्स व्हाई मैं आपको ये रिकमेंडेशन दे रही हूँ। एंड यस पैच टेस्ट इस प्रोडक्ट के साथ बहुत जरूरी है, एंड ड्राई स्किन वाले तो भूल के भी इसे ना लगाएं। सो ये डे क्रीम क्लेम करती है कि ये ग्लोई स्किन देती है, तो ग्लोई स्किन नहीं देती, ग्लॉसीनेस देती है। अगर आप इसको मुंह धोलोगे ना तो आपका वो ग्लो जो ग्लॉस है वो धुल जाएगा। एंड सेकंड चीज इसमें ये कि ये SPF 17 के साथ आता है, नो PA ट्रिपल प्लस और एनी अदर फैक्टर इसमें है, कुछ भी नहीं है। तो यस ये एक अच्छा इनडोर सनस्क्रीन हो सकता है, बट आउटडोर प्रोडक्ट तो डेफिनेटली नहीं है। आउटडोर के लिए आपको इसको काफी कुछ लेयर करना पड़ेगा इसके ऊपर। एंड दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रेंज, L'Oreal Paris ग्लाइकोलिक ब्राइट नाइट जेल। ये छोटू सा ग्लास टब भी कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, प्लास्टिक रैप के साथ, लाइट पिंक कलर का ट्रांसलूसेंट जेल है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट बीड्स होते हैं और इजिली ब्लेंडेबल है, बट यस मॉइस्चराइजेशन ये बहुत कम देता है, बट स्किन पे काफी लाइट फील होता है। प्रोडक्ट में टोटल इंग्रेडिएंट्स है 35 जिसमें के 9 इंग्रेडिएंट्स तो एक्टिव है, और एक्टिव्स आर रियली गुड ब्लेंड ऑफ एक्सफोलिएंट, ब्राइटनिंग एक्टिव्स और हाइड्रेटिंग एक्टिव्स। प्लांट डेरिवेटिव इसमें डाला गया है माउंटेन प्यूनी रूट एक्सट्रैक्ट। 7 मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, बट स्टिल कभी कभी ना आपको इसके साथ काफी मॉइस्चराइजेशन जो है वो कम लगती है। 10 बेस इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि काफी अच्छे सॉल्वेंट, बफरिंग एजेंट, पीएच रेगुलेटर का काम करते हैं, एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो काफी अच्छा है बेस का, इसका कोई भी कार्सिनोजन नहीं है, बस यस दीज आर प्रोसेस्ड। 3 प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं जो कि काफी अच्छा सिलेक्शन है। 5 फ्रेग्रेंसेस डाले गए हैं जो कि मुझे इसमें काफी एवरेज लगे, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत बेकार फ्रेग्रेंस है, एवरेज फ्रेग्रेंस है, काफी सिट्रसी फ्रेग्रेंस है और काफी तीखा सा फ्रेग्रेंस है। अगर आप स्मेल करोगे ना तो काफी देर तक आपको लगेगा कि हाँ आप उसी के फील में हैं, एंड काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है इस प्रोडक्ट। लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका कलरेंट जो कि इसको इसका ब्यूटीफुल सा पिंकी कलर देता है। इसमें भी प्रोसेस्ड और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, कोई भी कार्सिनोजन नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि सब्जेक्टिव सूटेबिलिटी के साथ है, तो यस पैच टेस्ट इस प्रोडक्ट के साथ जरूर कर लेना। एंड अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वुड रिकमेंड इसके लिए भी कि आप 15 ml वाला टब पहले खरीद के ट्राई कर ले, अगर सूट करता है देन गो फॉर द बिगर वर्जन, अदरवाइज स्विच टू अदर प्रोडक्ट। सो ये नाइट क्रीम क्लेम करती है कि आपकी स्किन को नाइट रिपेयर देता है, ग्लोई करता है और मॉइस्चराइजेशन देता है, तो ग्लोई ठीक ठाक करता है बट मॉइस्चराइजेशन बहुत कम करता है, तो इसके साथ भी आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन जरूर देना पड़ेगा। मैं प्रेफर करती थी इसके साथ लगाना, इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ हाइलोरोनिक एसिड, और ट्रस्ट मी हाइलोरोनिक एसिड बहुत अच्छा सूटेबल रहता है ग्लाइकोलिक एसिड के साथ। नाउ इट्स टाइम फॉर रिकमेंडेशन। आई नो मैंने इस पूरी रेंज में से एक प्रोडक्ट मिस किया है जो कि है इसका शीट मास्क, तो आई एम नॉट इनटू शीट मास्क,
ना मैं यूज करती हूँ ना मैं सजेस्ट करती हूँ किसी को यूज करने देने के लिए। यस, अगर आप यूज करना चाहते हैं एक प्रोडक्ट एक टाइम पे यूज करना, और या तो फेस वॉश कर लेना या तो सिरम कर लेना। और नाइट क्रीम और डे क्रीम जो है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और ना ही मैं रिकमेंड करूंगी। सो दो प्रोडक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगे और उनके लिए मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि एक टाइम पे आप एक प्रोडक्ट यूज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो मिनिएचर साइज अवेलेबल हो उसको पहले यूज करो, अगर सूट करे तो अगले वाले पे शिफ्ट कर सकते हो आप। सो यस, दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको वीडियो आज का हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाए। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।